ग्रुपिज्म, नेपोटिज्म, एक दूसरे का काम छीनना, इन बातों को लेकर इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में काफी नेगेटिविटी चल रही है। इसीलिए कोई भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। एक टाइम था जब लोग इस इंडस्ट्री में एक्सप्लॉइट होते थे, बर्दाश्त करते रहते थे, लेकिन अब कोई भी इंसान जिस तरह का माहौल चल रहा है किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पुलिस में इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, झूठ बोलना, एक्सप्लॉइट करना या फिर चीटिंग करने जैसे मामलों की रिपोर्ट्स दर्ज हो रही है। हाल ही में एक एक्टर जिसकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी गई है। इस एक्टर पर इल्ज़ाम है कि इसने गाली गलौज की है और धमकाया भी है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव के साथ ये हुआ है, उन्हीं के ऊपर ये FIR की गई है। ये FIR की है डायरेक्टर RR पांडे ने। उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव ने ना सिर्फ उनके साथ गाली गलौज की बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। RR पांड्या जो कि कांदीवली में रहते हैं, उनका एक बेटा है जो कि 12 सालों से भोजपुरी फिल्में बना रहा है। RR पांड्या का कहना है कि उनका बेटा चिंटू जो भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहा है वो कम ही समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। ऐसे में खेसारी लाल यादव का वो बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। वेल, हम सब जानते हैं कि खेसारी लाल यादव के करोड़ों में लवर्स हैं और फैंस हैं। इस डायरेक्टर ने बताया कि 1 फरवरी को वो एक क्लब में शूटिंग कर रहे थे जहां पर खेसारी लाल यादव का कॉल उनके बेटे को आया और उसने फोन पर उन्हें धमकाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, खेसारी ने यह भी दबाव बनाया कि उनकी फिल्म से जो कुछ भी पैसा उन्हें मिल रहा है उसमें खेसारी को भी हिस्सा दिया जाए और अगर ये हिस्सा नहीं दिया तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इस डायरेक्टर ने दावा किया है कि खेसारी लाल यादव के उस धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग उनके फोन में सेफ है, जो कि सबूत के तौर पर वो पुलिस को जमा करवा चुके हैं। इतना ही नहीं, RR पांडे और उनके बेटे को जलील करने के लिए खेसारी लाल यादव ने अपनी ऑनलाइन आर्मी को भी यूज करने की कोशिश की। उनके यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर जितने भी चाहने वाले हैं उनमें से कुछ लोगों को इस्तेमाल करके उन्होंने RR पांडे के बेटे के खिलाफ गंदी टिप्पणी करने को कहा, उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि इतनी फैली हुई है उसमें ग्रुपिज्म और कैंपिज्म का बहुत चलन है, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर गिनती के कुछ एक्टर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है और नए टैलेंट को आगे नहीं आने देते हैं।